लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब के नामांकन कार्यक्रम में हम सबको आने का ये अवसर मिला। आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष जी हम सबके बीच में है, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी भाई आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय हमारे टेटवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बृजेंद्र सिंह दाऊ साहब, आदरणीय संजय पाठक जी, हमारे सभी खजुराहो लोकसभा से आठों विधानसभा के आए विधायक, हमारे तीनों जिले के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच पर उपस्थित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे सब नेतागण, और सामने बैठी हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारा कार्यकर्ता, आप सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहली बार टिकट दी, विधायक बनाया और पहली बार मध्य प्रदेश सरकार में मुझे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बनाकर आप लोगों की सेवा के लिए भेजा है। मैं एक अनुसूचित जाति वर्ग का एक व्यक्ति, हरवार समाज का एक व्यक्ति, आज आप सब लोगों के मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस ने 42 साल तक इस मध्य प्रदेश में शासन किया, जिस कांग्रेस ने 60 वर्ष से भी ज्यादा इस देश के अंदर शासन किया, मगर मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को न कभी अनुसूचित जाति वालों को और न कभी अहरवार समाज के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया, मगर एक अहरवार समाज के एक सामान्य कार्यकर्ता के बेटे को आपको मंत्री बनाकर भेजा है, ये सबके लिए और हम सबके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस देश के लाखों करोड़ों अनुसूचित जाति वर्ग समाज के लोगों का जीवन बदलने का काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों और इस देश के करोड़ों अनुसूचित जाति वर्ग समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और कभी किसी ने नहीं किया। आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, खजुराहो लोकसभा में 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में हरवार समाज के सब विधानसभाओं में वोट है, आप आग्रह करना, मैं भी आऊंगा। अगर मेरे हरवार समाज के भाइयों, अगर मेरे समाज के, आपके समाज के एक व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में मंत्री बनाकर भेजा है तो खजुराहो लोकसभा की 8 विधानसभा नहीं, बुंदेलखंड के हरवार समाज का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। हम सबको भी आपके माध्यम से, जो हरवार समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति वर्ग समाज के लोग हैं, इस बार संकल्प लेकर 26 अप्रैल को जब वोटिंग हो तो खजुराहो लोकसभा के अंदर ये हरवार समाज और अनुसूचित जाति वर्ग समाज भाई साहब खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनाने का काम करेगा, इतिहास बनाने का काम करेंगे, पूरी समाज ताकत के साथ इस खजुराहो लोकसभा में लगेगी। मैं हर मंडल मंडल और बूथ बूथ तक जाऊंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि अगर एक हरवार समाज के व्यक्ति को बनाया है तो ये पूरे समाज का गौरव बढ़ा है। आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रणोदा शोध, कार्यकर्ताओं की ताकत, हम सबकी हिम्मत, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी को जब 26 अप्रैल को वोटिंग हो तो इस खजुराहो में तो इतिहास बने, देश के अंदर खजुराहो में सबसे बड़ी जीत हो और हम सब कार्यकर्ता मिलकर इतिहास बनाने का काम करेंगे। अब की बार हम सबको ताकत से बताना है, अब की बार सब लोग बोल के बताओ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, अब की बार नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद।
डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद, माननीय बी डी शर्मा जी जिंदाबाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। बोलो भारत माता की वंदे। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और यहाँ पे जो कांग्रेस परिवार में लंबे समय तक काम किया है, ऐसे धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आके जो आए और उनका दुपट्टा पहन आके स्वागत करने की कृपा करें।